Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. From top universities in the world will tell you that what they have learned, who have taught you external communication. Nobody teaches you internal communication. Internal communication controls external communication. How I feel when I come on the stage determines my level of confidence, my fluency, my eye contact and my body language. Main andar kya feel kar raha hu. To asal mein hame internal communication pe control chahiye, external khud ba khud theek ho jata hai. Ab is waqt main aapko do choti choti kahaniyan sunaunga, ek sach hogi ek jhooth hogi. Aapne determine karna hai ki kaun si sach thi kaun si jhooth thi. Thoda sa ishara deta hu main. Aaj ke baad se dekhiyega aap TV pe. जब कोई तकरीर कर रहा हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा. अभी एक खातून टीवी पे कुछ दिनों पहले उसने तकरीर कर रही थी. वो बहुत बड़े बाप की बेटी है. बाप जा चुके हैं पाकिस्तान से बाहर इलाज कराने के. मैं उसकी तकरीर सुन रहा हूं. मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये आवाम को पता नहीं किसकी आंखें राइट साइड पे पूरी पूरी बात करते. अब सिर्फ इतना समझते हैं, जब कोई शख्स झूठ बोलता है या कोई चीज क्रिएट करता है तो उसकी आंखें राइट साइड उसके राइट साइड पे जाएगी ज्यादा बार बार. और जब कोई सच बोलेगा या किसी वाक्य को याद करेगा तो उसकी आंखें लेफ्ट पे जाएगी. इससे आगे नहीं बता सकता. ठीक है. दूसरा, सांस लेने का अंदाज, हाथों की मूवमेंट और चेहरे को देख के अंदाजा किया जा सकता है कि शख्स सच कह रहा है या झूठ कह रहा है. भाई आपने सलीम क्लास जाकर मिले थे कल? हाँ सर, क्या था? झूठ. एक लम्हे में पकड़ा जाता है और ये इंस्टेंट आंख की मूवमेंट होती है. तो आज के बाद से लोगों की आंखों में झांकना मत, आराम से देखना, उनको शक ना हो जाए कि आप उनको बोल रहे हैं. ये जरा सा दे रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं दे रहा. अच्छा, मैं दो कहानियां सुनाता हूं. और वैसे तो मेरी जिंदगी में बड़े अजीब गरीब वाकयात हैं. कुछ आपको लगेगा बिल्कुल सच है और कुछ लगेगा झूठ है. मैं कोशिश करता हूं एक झूठ एक सच. पहला वाला वाक्य, पहले मैं जरा सोचता हूं वाक्य कितने वाले कौन सा निकाल. अच्छा जी, ये वाक्य है कोई लगभग मे बी 30 इयर्स मे बी. हमने घर बनाया था और उस जमाने में घर के आसपास जमीनें खाली थी. 1974 की बात कर रहा हूं, रिमेंबर 74 में घर बना था मेरा और आसपास फ्लॉट्स खाली थे, कुछ घर थे, कई दूर दुकानें थी. तो शाम के वक्त यू नो इट वाज बयाबान सुनसान होता. दो दोस्त थे हमारे उसी मोहल्ले में बन गए थे. दोनों को सिगरेट पीने का शौक था. मैं भी पीता था सिगरेट, मगर मैं छुप के नहीं पीता था. मतलब मैं अपने घर के बाहर पी लेता था. मेरे वालिद को पता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ, उनके सामने नहीं पी मैंने सिगरेट कभी. अब वो ये कहकर दोनों ये करते हैं कि रात को खाना वाना खा के मेरे पास आ जाते और वो छुप के सिगरेट इस तरह पीते थे कि बहुत दूर जाके पीते थे ताकि कोई पड़ोसी भी ना देखे आसपास का कोई बंदा. इतना डर था उनको. तो हम क्या करते कि हमारे घर से कुछ दूर अबाउट 200 yards या करीब एक छोटा सा पान वाले की दुकान थी, उसकी एक लाइट जल रही होती थी रात को. तो वहां जाते ये दोनों अपनी सिगरेट निकालते, मेरी तो अपनी जेब में होती थी, और वहां सिगरेट पीते छुप के. तो ये एक रात का बड़ा अजीब गरीब वाक्य. ये दोनों सिगरेट पी रहे थे, मैंने सिगरेट पी के फेंक दी. अब बातें कर रहे थे हम लोग, हम सिर्फ तीन लोग थे और दुकानदार था पान वाला. मुझे ऐसा लगा जैसे बाएं शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा हो, यानी हार्ट का वजन महसूस हुआ. आई कुड फील द वेट ऑफ अ हैंड. और मैंने कुछ देर तो सोचा नहीं क्योंकि दोस्त थे, पर एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि दोनों तो मेरे सामने खड़े और पान वाला यहां राइट पे था. तो ये हाथ किसका था? तो बड़े एहतियात से मैंने ऐसे हिले बगैर टर्न किया. तो आई थिंक इतना बड़ा कीड़ा, इतना बड़ा मेरे कंधे में बैठा. उस वक्त मैंने झटका उसको और तीनों वहां से भागे घर की तरफ. ये पहली स्टोरी. दूसरी स्टोरी,
मैंने इल्म हासिल करने के लिए बड़ी गढ़ छानी है। तो मुझे पता चला कि इंडिया में एक आदमी है जो रहता है पांडिचेरी में, पांडिचेरी साउथ इंडिया है, और वो कुछ बड़ी अजीब गरीब कुवतें और वाला आदमी और बड़ी चीज़ें सिखाता है। तो मैं उस वक्त बॉम्बे में था, बॉम्बे से मैं पूना गया, मेरे मामू पूना में थे, तो मुझे वहाँ से पांडिचेरी जाना था। पांडिचेरी जाने के लिए, ये वेकेशन का दौर था, वेकेशन में इंडिया में ना बसें मिलती है, ना ट्रेनें मिलती है, ना जहाज मिलता है, बिकॉज इंडिया में लोगों में रुझान है कि वो छुट्टियां गुजारने इंडिया ही में कहीं जाते हैं। तो मेरे मामू ने मुझे कहा कि एक बस है वो तुम्हें ले जाएगी बैंगलोर, और बैंगलोर से तुम चले जाना पांडिचेरी। अब बस में जब मुझे बिठा दिया गया तो लग्जरी बस थी, मगर बस वाले ने कहा कि सीट नहीं है, आगे जाके सीट होगी तो उनको बिठा दूंगा। अब हम पैसे दे दिए, बस में अब खड़ा हूं मैं 20 घंटे अप्रॉक्सीमेटली, किसी ने सीट खाली नहीं की। जमीन पे बैठूं तो वो कटो यहां से, 20 घंटे मैं खड़ा रहा। बीच में खैर ब्रेक होती थी चाय के लिए तो वो चलता था, फिर वापस खड़ा रहना। 20 घंटे के बाद जब मैं बैंगलोर पहुंचाऊं तो मुझे बताया गया कि जी ये तो आप गलत आ गए, आपको तो मद्रास जाना चाहिए था, मद्रास से करीब है। खैर वहां दूसरी बस पकड़ी, उसमें जगह मिल गई। वो बस मेरे ख्याल में 14 आवर्स के बाद उसने मुझे मद्रास पहुंचाया। जब मैं मद्रास पहुंचा तो उन्होंने कहा जी यहां से 6 घंटे में एक और बस आपको मिलेगी। वहां से मैं दूसरी बस ली जिसमें शीशा नहीं था, खाली फ्रेम थी, वो गांव में से गुजरती थी, दुनिया जाकी मट्टी गर्द, और वहां एक अजीब गरीब चीज मैंने देखी जिंदगी में, मैंने कभी नहीं देखी। एक कौम है उसका नाम है कोलो भील कहते हैं उसको, उनकी खवातीन वहां पे वो सोच नहीं टॉपलेस होती। अब मैं बस में, पुरानी बस है जैसे कराची के रोडों पे भी चलती है ऐसी बस है, अब उसमें बैठ रहा हूं, एकदम से खातून आती है बच्चे को लेके, नजरें नीचे। अब कितनी देर तक नजरें नीचे रखी, फिर कर ली गांव देहात, करते करते 6 घंटे के बाद मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा वहां पे उस जगह पे तो पता चला जी जो गुरु जी थे वो इंजर्ड है और वो अपने बिस्तर पे लेटे, उनकी स्पाइन में इंजरी आई थी, तो और किसी से मिलते नहीं है इस तरह। तो मैंने कहा जी कह दो मैं पाकिस्तान से आया हूं। बंदा अंदर गया, बुलावा आ गया मेरा, मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे कुछ चीजें सीखनी है। उसने कहा तुम्हें पता है मैं किसी से नहीं मिलता, मगर जब मैंने सुना ना कि तुम पाकिस्तान से आया, मैंने सोचा एक शख्स पाकिस्तान से मुझे मिलने आ रहा है, तो मैंने तुम्हें अंदर बुला लिया। ये दूसरी स्टोरी, कौन सी सच थी कौन सी गलत थी। कितने लोग कहते हैं कि पहली वाली गलत थी? गलत थी, ओके। कितने लोग कहते हैं पहली वाली सही थी? ओके। दूसरी वाली सही थी, हाथ उठाओ। पहली वाली गलत थी, दूसरी वाली सही। पहली वाली में सच जरूर था, वो कीड़ा था इतना बड़ा, जिंदगी में देखा नहीं था, मगर बाकी चीजें मैंने वैसी डाल दी थी क्योंकि सारे इतने साल हो गए आपको याद नहीं, कुछ चीजें चेंज की थी, मगर वो कीड़ा था। मगर दूसरी वाली 100% सच थी, वाकई ये सफर किया मैंने, और बड़ा सफर किया, उर्दू में सफर किया और इंग्लिश में सफर किया मैंने, पांडिचेरी पहुंचते पहुंचते। अब आप क्या करेंगे? आप टीमें बनाएंगे, तरीका ये खड़े होके आपके घर में माहिर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? कम ऑन गो, चाय से पहले ये करें।